मजा आ गया, क्या ही बात, मजा आ गया। इस पर तो आपको पुरस्कार मिलना चाहिए कुछ ना कुछ। दोस्तों मेरे भी मुंह में पानी आ गया इतनी तारीफ सुन के। बहुत ही बढ़िया बनाया, मतलब। मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू देसी व्लॉगर्स। और सुबह का दिन है, समय है, समय 11 बज रहा है एक्चुअली। और हाँ, संडे का दिन है और नाश्ते में आज बन रहा है बहुत ही मशहूर नाश्ता। और ये पहली बार सत्तू के पराठे और चोखे, तो उसके लिए आटा गूंथ चुका है, सत्तू का फिलिंग तैयार है और चोखा भी रेडी है। पहली बार तो नहीं बना रहे हम सत्तू पराठे, पहली बार नहीं बना रही हो? अभी तो बोले पहले बना रहे हो, मतलब कि घर पे तो बनाए थे मम्मी की सर्विलेंस में। पराठा नहीं, बाटी। पराठा बढ़िया बना रही है ना, तो सब पराठा बन रहा है, बढ़िया नाश्ता करेंगे आज। कल रितु ने पराठा बनाया था, उसकी फिलिंग बच गई थी, तो मैंने कहा कि आज फिर नाश्ते बना दो, क्योंकि मुझे सत्तू का पराठा, भौरी चोखा ये सब बहुत पसंद है। रितु आज फिर बना रही है, तो दोस्तों खाएंगे पियेंगे फिर देखते हैं संडे का क्या प्लान है, उसके हिसाब से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। हमारे सत्तू के पराठे, चोखा, चाय रेडी है दोस्तों। चलिए खा के बताइए, खाएंगे एकदम, भोग लगाएंगे, खा के बताइए पतिदेव। अच्छा बना है, खीर फाड़ दिया आपने तो, बहुत ही बढ़िया बना, मतलब कल से भी अच्छा बना, चोखे में कुछ अलग डला है लग रहा है आज। क्यों बताएं हम क्या अलग डला है, मतलब अद्भुत। ऐसी चीजों का तो भंडारे करने चाहिए, लोगों को खिलाना चाहिए भाई ना दोस्तों। बहुत ही बढ़िया बना, मतलब आपको सत्तू के पराठे और चोखे खाने हैं तो आप कभी भी घर बता सकते हैं, आपको खिलाए जाएंगे जरूर। मेरे नाम पर ढाबा खोल दीजिए जरूर। अब ढाबा खुलने वाला है, आप नहीं रह जाए, बहुत सुंदर, मजा आ गया। आप जो कच्चा आम डाला है ना, आपकी सुनते तो नहीं डालते तो पछताते। बहुत बढ़िया, बहुत मस्त बना, मजा आ गया। शाबाश शाबाश शाबाश, दोस्तों गर्मी बहुत ज्यादा थी इसलिए हम लोग दिन में चले गए मॉल थोड़ा घूमने, वहाँ थोड़ा घूमा हम लोगों ने, थोड़ा खाया पिया। क्या चाहिए दोस्तों? बच्चों जैसे करने लगते हैं, टॉफी चॉकलेट ये सब देख के। बहुत नाम सुना है उसका, आज हम आ गए हैं पारितोष के सोसाइटी के जस्ट सामने ब्राह्मण टीवी सेंटर पे डोसा खाने, जो टेस्टिंग कर रही है कैसा है डोसा, ये कली डोसा है जो सेट डोसा का बड़ा वर्जन ही लग रहा है, हम लोगों को पता नहीं था कैसा होता है। चलो मंगा लिया, चटनी तो बहुत अच्छी लग रही है, देखते अच्छा लग रहा है। चटनी बहुत मजा है, चटनी में धनिया पुदीना नारियल सब एक साथ डाला हुआ है, बहुत अच्छी एकदम चटपटी चटनी है। और ये फिल्टर कॉफी भी है, ये कैसा लग रहा है? तरह कुछ कुछ सेम ही है, सेम है। इसीलिए वहाँ लिखा हुआ था एक पीस दो पीस। परदोस भी आया है, बटर मिल्क भी लिया भाई ने। आप कह दीजिए एक्सपर्ट, हाँ वो लोग छोड़ गया घर पे, क्या उन लोगों ने बच्चे पकड़ लिया है, छोड़ नहीं रहे, इसको सेट डोसा बोलते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और ये तो इसके साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करती है, बढ़िया काफी अच्छा है। आप डोसे यहाँ ट्राई करेंगे बाद में। डोसा आ चुका है, क्रिस्पी डोसा, बढ़िया मसाला डोसा है, दिखाइए जरा सिंपली, कोड़ी मसाला डोसा। मेरा पेट भर चुका है, आप ही टेस्ट ट्राई कर,
बढ़िया लग रहा है। आलू के साथ खाइए। चालीस रुपए में क्या लोगे यार, मिलता ही नहीं बाहर। पैसा वसूल है, पैसा वसूल है। समय बांध दिया। रेस्टोरेंट में खाने लायक भी होता है, बहुत ही बढ़िया मजा आ गया। इतनी तारीफ करे, हमारा खाने का मन कर गया। टेस्टी भी है, अच्छा भी है, चटनी भी अच्छी है, एकदम खाने से बहुत सही जा रहा है। मात्र 40 रुपए में बेंगलोर में इतना चट होता खिलाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे चार आदमी खाए थे हम, आरुषि उदित, तीन लोग थे। एक्सरसाइज भी खा लिया था, 200 के भाई। उसमें बटर मिल्क बहुत किया था मैं, बटर मिल्क मस्त है ना, बढ़िया क्रंची मस्त। दो बटर मिल्क हो गया हम लोग के, हम लोग ही हो गया तो खा चुके हैं। तो काफी अच्छा टोस्ट है ये जेपी नगर में, लिटा प्रोमनाड के जस्ट सामने। शॉप नहीं मिली खाने वाली, हाँ वहाँ पे नहीं मिलेगी। जेपी नगर पुराना है, बेंगलोर है ना, तो यहाँ पे मिलती है। नहीं मिली। पोलो से मिलाप हो रहा है ऋतु का। किसे देख रहा है? तो गाइस हम लोग पारितोष के घर आए थे, पोलो से मिले, बहुत सारी बातें की, इसीलिए हम लोग हेलो बोल दीजिए आरुषि और पारितोष को। और बातें इतनी इंटरेस्टिंग थी कि हम लोग ब्लॉग नहीं कर पाए ज्यादा। पोलो बाय बाय कर रहा है, फिर तू मिल ले पूरा उससे। पोलो पोलो बाय 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 पोलो पोलो बच्चा पोलो। दोस्तों हम लोग हर हफ्ते इसी उम्मीद में आते हैं कि पोलू थोड़ा बड़ा होगा और समझदार हुआ मिलेगा, छोटा ही रह गया। पर ये छोटा ही रह गया और ये समझदार भी नहीं हुआ। तो चलते फिर। पर तो बाय बाय। दोस्तों कल हम लोग आ गए थे, काफी लेट हो गया था आने में और उसी लेट में हम लोग व्लॉग एंडिंग करना भूल गए थे। तो आपको अच्छा लगा व्लॉग तो कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ये भूलिएगा नहीं। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे रेगुलर व्लॉग्स लाने के लिए। तो उसी साथ मिलते हैं आपको कल, बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव, प्रभु गुरु नानक, सबके आप सबके परिवार पर बाय।